हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में, जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे नूडल्स एंड राइस मिक्स। इंडो चाइनीज क्विजीन एक अरसे से हम सबकी फेवरेट रही है और उसको स्पेशल बनाते हैं इसके सिंपल, क्विक और फ्लेवरफुल वेरिएशंस, जिसमें राइस और नूडल्स दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बनाएंगे नूडल्स और राइस दोनों को मिक्स करके एक आसान और फ्लेवरफुल प्रेपरेशन, जिसे आप एज अ स्नैक्स या फिर एज अ मील भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नूडल्स एंड राइस मिक्स। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम चावल पकाएंगे। इसके लिए मैंने एक वेसल ले लिया है, उसमें मैं डालूंगा करीबन 100 ग्राम जितने बासमती चावल, जिसको मैंने कम से कम 3 पानी से धो लिया है। चावल को पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। अब पानी कितना डालना है उसकी एक आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक दिखाता हूँ। चावल में पानी का लेवल मेजर करने के लिए आपको अपने हाथ की पहली दो उंगलियों का यूज करना है। उसमें जो मिडिल फिंगर है उसकी जो टिप है वो चावल को छूनी चाहिए, और उसके साथ जो पहली उंगली का जो पहला नकल लाइन है वहां तक पानी आना चाहिए। बस इतना ही पानी आपको लेना है। इस मेथड से आप चावल कुक करोगे तो आपके चावल हर बार एकदम परफेक्ट पकेंगे, खुले खुले पकेंगे और ओवर कुक भी नहीं होंगे। इसमें हम डाल देंगे करीबन 8 से 10 बूंदे लेमन जूस की, जिससे चावल का दाना खिला खिला रहेगा और सफेद रहेगा। साथ में हम डाल देंगे करीबन 1 टेबलस्पून जितना ऑयल, जिससे चावल के दाने चिपकेंगे नहीं। अब हम एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे, ताकि लेमन जूस पानी में अच्छे से घुल जाए। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर एक लिड लगा देनी है और इसको एग्जैक्ट 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट तक ये चावल अच्छे से पकेंगे, सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेंगे। 15 मिनट के बाद हम इस लिड को खोल देंगे। आप देख सकते हो कि चावल अच्छे से खिले खिले पक चुके हैं। अब हम एक चम्मच की मदद से इसको चेक करेंगे, ये एकदम परफेक्टली कुक हुए हैं। अगर यहाँ पे कोई एक्सेस वाटर रह जाए तो वाटर को अच्छे से ड्रेन कर लेना है और चावल को कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। यहाँ पे हम चावल को निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और एकदम चिल्ड होने के बाद इसको यूज करेंगे। नूडल्स तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेसल में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, ये अच्छे से उबलना चाहिए, इसमें एक बॉयल आ जाना चाहिए। जैसे ही इसमें एक बढ़िया सा बॉयल आ जाए, इसमें हम डालेंगे नमक। हम नमक के साथ इसमें डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, जिससे नूडल्स एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होगी। इसके तुरंत बाद हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। हमें नूडल्स के पूरे बंच को लेना है और बस पानी के ऊपर ऐसे ही रख देना है। इसे तोड़कर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही नीचे की नूडल्स कुक होगी, ऊपर की नूडल्स अपने आप ही नीचे चली जाएगी। 2 मिनट के अंदर सारी नूडल्स पानी के अंदर डूब जाएगी। इसके बाद एक टोंग की मदद से हमें इसको अच्छे से स्टर कर लेना है, ताकि बॉटम पे कोई नूडल्स चिपक ना जाए और वो पानी में अच्छे से बॉयल हो, अच्छे से पके। 7 से 8 मिनट बॉयल करने के बाद सारी नूडल्स अच्छे से पक जाएगी। हमें इसे 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हो कि नूडल्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, ये अच्छे से बेंड भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि नूडल्स अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसका पानी हटा के इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे, जिसके बाद आप इस नूडल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। हमारे राइस और नूडल्स दोनों कुक हो गए हैं। अब हम उन दोनों को मिक्स करके अपनी फाइनल प्रिपरेशन बनाएंगे। उसके लिए मैं एक कढ़ाई या वोक ले लूंगा और उसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। जैसे ही तेल गर्म होता है, हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट, जिसको हमने फाइनली स्लाइस कर लिया है। अब हमें स्प्रिंग अनियंस को अच्छे से स्टर करते हुए पकाना है। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, जस्ट सौते ही करना है। हम इसे करीबन 1 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे। जैसे ही स्प्रिंग अनियन सौते हो जाते हैं, मैं इसमें डालूंगा 8 से 10 कलियां लहसुन की, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और साथ में जाएगा 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। साथ में जाएगी 1/2 टीस्पून जितनी ग्रीन चिली पेस्ट। अब हमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट को भी हिलाते हुए पकाना है। हम इसे करीबन 1 मिनट तक सौते करेंगे, ताकि जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट अपना कच्चा फ्लेवर छोड़ दे। जैसे ही ये तीनों चीजें पक जाती है, हम इसमें डालेंगे कैबेज। मैं यहाँ पे करीबन 2 कप जितनी कैबेज ले रहा हूँ, जिसको मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है। कैबेज को भी बाकी चीजों की तरह ही हमें स्टर करते हुए सौते करना है। इसको हमें पूरा नहीं पकाना है, ये बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। जैसे ही कैबेज पक जाती है, हम इसमें डालेंगे कुछ और सब्जियां। मैं इसमें डालू 1 कप जितनी फ्रेंच बीन्स, जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। बीन्स के साथ इसमें जाएगी 1 कप जितनी कैरेट, जिसको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। कैरेट के साथ इसमें जाएगी 1 कप जितनी बड़ी कटी हुई ग्रीन पेपर। यहाँ से हमें सब्जियों को भी अच्छे से पकाना है। हम इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट तक सौते करेंगे, इसे हिलाते हुए पकाएंगे। हमें सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है, वरना सब्जियां एकदम गल जाएगी और जो टेक्सचर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कैरेट्स और फ्रेंच बीन्स जैसी सब्जियों को पकने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको मैंने पहले से ही पार बॉइल कर लिया था।
यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी सब्जी को पकने में ज्यादा टाइम लगता है तो उसको पहले से ही पारबॉइल करके ही डालना है। जैसे ही सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाती हैं, मैं इसमें डालूंगा आधा कप जितना स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हमें इसे फिर से एक बार स्टर करना है। हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से स्टर करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे फ्लेवरिंग सॉसेस। मैं इसमें डालूंगा करीबन 1.5 टेबल स्पून जितना सोया सॉस, और इसके साथ में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना ग्रीन चिली सॉस। सॉसेस डालने के बाद हमें इसे अच्छे से स्टर करना है। हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है, करीबन 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि सॉसेस सब्जियों के साथ अच्छे से मिल जाए और उसका रॉ फ्लेवर छोड़ दे। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि सोया सॉस का फ्लेवर ऑलरेडी नमकीन होता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नूडल्स जो हमने पहले से ही बॉइल करके रखी हुई थी। हम नूडल्स को थोड़ा स्प्रेड करके डालेंगे। अब यहाँ पे आपको एक टोंग लेना है और टोंग की मदद से नूडल्स को अच्छे से हिलाना है ताकि सब्जियों के साथ नूडल्स अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए। नूडल्स जैसी चीजें स्टर करने के लिए टोंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसी और चीज से अगर आप हिलाओगे तो नूडल्स टूट भी जाएगी और वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगी। जैसे ही नूडल्स मिक्स हो जाती है, हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने पका के रखे हुए थे और इसको कम से कम 20 मिनट तक हमने रेफ्रिजरेट किया हुआ है, तो ये कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। और जब हम इसे पकाएंगे तो ये एक बेहतरीन टेक्सचर क्रिएट करेंगे जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें फिर से टोंग की मदद से नूडल्स को और राइस को एक साथ मिक्स करना है। हमें बड़े आराम से ये चीज करनी है। धीरे धीरे हमें इसको मिक्स करते जाना है ताकि नूडल्स और राइस और वेजिटेबल्स दोनों एक साथ अच्छे से मिल जाए। एक बार नूडल्स और राइस दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप टोंग के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे किसी भी चीज से, लैडल से या फिर फ्लैट स्पून से हिला सकते हो। इस स्टेज पे इसको मिक्स करना बहुत ही जरूरी है, वरना सारी नूडल्स एक साइड रह जाएगी, राइस एक साइड रह जाएगा और वेजिटेबल्स एक साइड रह जाएगी, तो खाने में सारी चीजें आपस में बराबर नहीं आएगी। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। मैं यहाँ पे करीबन 2 टीस्पून जितना व्हाइट विनेगर डालूंगा। मैं इसे अच्छे से फैला के डालूंगा। विनेगर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे करीबन 1 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर पाउडर, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़े से और स्प्रिंग अनियन के ग्रीन पार्ट जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आपको कोई और चीज कम या ज्यादा करनी है तो इसी स्टेज पे कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम इसको एकदम आखिरी वाला स्टर देंगे। हम इसको ज्यादा नहीं हिलाएंगे वरना राइस एकदम मैशी हो जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसे बस इतना ही स्टर करना है ताकि पेपर और विनेगर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, एंड दैट्स इट। हमारा राइस नूडल्स मिक्स बनके रेडी है। हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मेरे पास एक प्लेट है। मैं टोंग की मदद से राइस एंड नूडल्स मिक्स को प्लेट के अंदर डालता जाऊंगा। हमें इसे अच्छे से सेंटर में डालना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगा थोड़ी सी फ्राइड नूडल्स और लास्ट में थोड़े से और स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश करके सर्व कर दूंगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।